नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः बहुत बड़ी जो है खबर के साथ। मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। टीजीटी पीजीटी वैकेंसी का जो मित्रगण इंतजार कर रहे हैं उन सभी के लिए यह बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी वाली खबर है। जैसा कि कुछ दिन पहले लगातार जो प्रदर्शन चल रहा था उस पर माध्यमिक चयन बोर्ड के द्वारा कहा गया था कि आपके अध्याचन के लिए पोर्टल ओपन किया जाएगा और इसी बात का अब बहुत बेसब्री से सारे लोग इंतजार कर रहे थे, तो वो इंतजार की घड़ियाँ समाप्त हो चुकी हैं। जो अभी तक उहापोह की स्थिति चल रही थी कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आएगी कि नहीं, वो स्थिति कहीं ना कहीं स्पष्ट नजर होती हुई आ रही है। मैं जिस मुद्दे पर आपसे चर्चा कर रहा हूं वो मुद्दा है टीजीटी और पीजीटी, जो आपका एक ज्वाइनिंग प्रक्रिया चल रही है, लगभग ज्वाइन भी कर चुके हैं लोग, और दूसरी जो आगामी थी जिसमें 27,000 पदों की बात की जा रही है, तो उस पदों के परिप्रेक्ष्य में क्या बोर्ड के द्वारा पोर्टल ओपन किया जाएगा उसी की सूचना आपको देनी है। तो आज ही ये चीजें मिली हैं एक मेल के माध्यम से जो है सचिव के द्वारा। आपके सभी जितने भी विद्यालय निरीक्षक हैं उन सभी को एक मेल भेजा गया है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा, जितने भी जिला विद्यालय निरीक्षक हैं उन सभी को। और इस मेल में क्या किया गया है कि इन सभी से रिक्तिवार विवरण टीजीटी और पीजीटी पदों के मांगे गए हैं कि आपके यहां जितने पद अभी भी खाली है उन सारे पदों का आप हमें अध्याचन के तौर पर डाटा उपलब्ध कराइए। तो कहीं ना कहीं उम्मीद हो चुकी है टीजीटी और पीजीटी के नए आपकी वैकेंसी 2022, उसका जिक्र भी इसमें किया गया, मैं वो भी दिखा रहा हूं। इसमें कह रहा कि 1 दिसंबर 2021 से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विकसित अधियाचन पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2022 के अधियाचन भेजने हैं विषय, ठीक है। इन सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को आपका 3 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक अधियाचन भेजना है, 3 से 17 तक चलेगा। तो कहीं ना कहीं बोर्ड विज्ञापन के मूड में पूरी तरीके से है। आप सारे लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं अस्पष्ट हो जाइए और अपनी दिशा में फिर से बढ़ जाइए, एक बार मौका फिर से आ रहा है। और इस बार पदों की संख्या भी ज्यादा आ रही है, 27,000 पदों के समथिंग अभी तक जो लगातार आप लोगों ने भी खबर देखी होगी वो चीजें आ रही हैं। तो तैयारी आप लोग अपनी जुट जाइए बहुत अच्छी तरीके से आगे। इसमें इस बार विद्वत संस्थान के द्वारा भी आपको पिछली बार कोर्स के लिए आप लोग बोल रहे थे, तो इस बार आपको कोर्स भी उपलब्ध कराया जाएगा। और इसमें दूसरा जो आपका दिया गया है ये ईमेल की आपकी कॉपी है, और ईमेल की कॉपी ही मैं बता रहा हूं, इसमें पूरी चीजें बताई गई है कि आपको किस हिसाब से जो आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली है उसके नियम 11 के अनुसार प्रबंध तंत्र द्वारा रिक्तियों की संख्या अवधारित करके, ठीक है, जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से बोर्ड को अधिसूचित किए जाने की व्यवस्था है। तदुपरांत उक्त अधिसूचित पदों के सापेक्षी चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन करके चयन की कार्यवाही की जाती है। यानी कहीं ना कहीं चीजें क्लियर हो चुकी है भैया। 19 वाली जो चीजें आपकी थी 19 से पहले यह अधियाचन प्रेषण एवं चयन बोर्ड को संचयन की प्रक्रिया पूर्तियां मानवीय होने से, ठीक है, पहले जो भेजा जाता था सारी चीजें आपकी चलती थी किसी हिसाब से कि हाँ भैया यहां से लेटर वहां जा रहा, वहां से यहां, तो दिक्कत आती थी। अब यह पूरा ऑनलाइन पोर्टल है और ऑनलाइन पोर्टल से आपकी चीजें क्या हो जाएंगी कि जब सारे आपके जिला विद्यालय निरीक्षक, ठीक है, पदों की रिक्ति आप भेज देंगे तो बोर्ड 2022 के लिए आपका अगली जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है 2022 के लिए उसके लिए विज्ञापन आपका जारी किया जाएगा। यहां पर पूरी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। तो 3 दिसंबर से लेकर के 17 दिसंबर तक आपका पोर्टल ओपन रहेगा और 3 से 17 होने के बाद फिर आपका क्या किया जाएगा 2022 के लिए आपका यह पूरी प्रक्रिया, यानी जो चीजें हैं टीजीटी पीजीटी की आपकी वैकेंसी है 2022 के लिए आपकी रिक्ति आ जाएगी। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। तो जल्दी इसके आगे क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है, उन सभी के बारे में आप सभी को मैं जो है एक अन्य वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा अन्य जानकारियां। 2022 से संबंधित आपकी पूरी की पूरी वैकेंसी, यानी अगली वैकेंसी आने के लिए पूर्ण रूप से आप लोग आश्वस्त हो जाइए और बोर्ड इस मूड में भी है। 17 दिसंबर तक आपके सारे पद के अधियाचन चले जाएंगे, उसके बाद फिर आपका हो सकता है दिसंबर में ही विज्ञप्ति भी आ सकती है, ठीक है। तो ऐसे ही अन्य जो जानकारियां होंगी उनके लिए सारे लोग जो है चैनल को देखते रहें, चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम भी जुड़ जाइए, जहां पर भी आपको अन्य सूचनाएं उपलब्ध कराते रहेंगे। सभी का भाई बहुत बहुत धन्यवाद। लग जाइए, दिशा और दशा दोनों बदलती।